नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तराखंड के श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्त द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके के लोगों में काफी रोष है। वहीं चालक सहित दो और लोगों को मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद ट्विटर पे अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके दी है। चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाले जोशी मठ मलारी हाईवे का खुलने व बंद होने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में लगातार बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने पुणे में छिपे झारखंड के दो शातिर साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की। स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर पुलिस ने झारखंड से महाराष्ट्र तक इन अपराधियों का पीछा नहीं छोड़ा और गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी अपने नए ठिकाने से गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सीधे नई दिल्ली से लौटने के बाद हरिद्वार जिले दौरे पर रहे हैं। गुरुवार को वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर गए और उन्हें बधाई दी। गोपेश्वर के युवा व्यापारी अंकोला पुरोहित ने युवाओं की एक ऐसी टीम तैयार की है जो जिंदगी बचाने के मिशन में जुटी है। इस टीम में शामिल युवा महज एक फोन पर कहीं भी रक्तदान के लिए पहुंच जाते हैं। यह टीम देश भर में कई लोगों की जान बचा चुकी है। देश भर में जहां कई वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है, वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों का कुनबा साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व में 330 हाथी हैं, जो टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल को देखते हुए हाथियों की धारण क्षमता 225 से 105 अधिक है। उत्तराखंड में अब नहीं काटने पड़ेंगे निकायों के चक्कर। अब जमीन खरीदो और घर बैठे पाओ दाखिल खारिज। नगर निकायों से टीमें बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा सिस्टम की बेरुखी से आहत हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुगुणा के मुताबिक सरकार की ओर से उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है, लेकिन उन्हें अस्पताल की लंबी लाइन में अभी भी लगना पड़ता है। ऋषिकेश कोतवाली अंतर्गत त्रिवेणी घाट के समीप नाव घाट में एक बैग मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने छानबीन शुरू की। बैग खोलने पर पुलिस को उसमें कपड़े और एक डायरी में लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ। केदारनाथ में देवस्थान बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को 2 माह हो गए हैं। बीते 12 जून से तीर्थ पुरोहित बोर्ड के विरोध में धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि उत्तराखंड में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करके जिस तरह एक बिना तजुर्बे वाले नेता को सिर्फ युवा के नाम पर मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे प्रदेश भाजपा में जबरदस्त संतोष है। कुछ असंतुष्ट नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उनके बारे में फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लगभग 10 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों को एक साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए स्थानांतरित होने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं की ओर से किए जा रहे हमलों का पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक एक प्रकरण का जवाब देते हुए हरीश ने लिखा कि कुछ उजियाड़ू बल्द और उजियाड़ू बकरियां मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा चुनाव आखिरी होगा। तीलू रतौली पुरस्कार से सम्मानित गीता मौर्य और श्यामा देवी ने सम्मान लौटाए जाने की बात कही है। टेक होम राशन के लिए सरकार की ओर से ई निविदा मांगे जाने के बाद बड़ा आक्रोश। ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए देखते रहें राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। धन्यवाद।